ये तो बहुत सिंपल सा है। इसमें क्रिश्चियाप एक बच्चे अक्सर हमसे सवाल पूछते हैं, सर क्रिश्चियाप कब लगाते हैं, ओम्स लॉ कब लगाते हैं। जब हम कहते हैं भाई साहब एक से ज्यादा वोल्टेज सोर्स हो तब तो क्रिश्चियाप लगा देना, और एक वोल्टेज सोर्स है तो ओम्स लॉ काम चला लेना। ये देखने में तो दो है लेकिन अगर पूरा सवाल पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर शोस नो डिफ्लेक्शन, यानी इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, तो इसका मतलब इसमें करंट नहीं बह रही। जब करंट नहीं बह रही तो सर्किट ओपन हो गया यानी बेकार हो गया। तो इसका मतलब है ये जो वोल्टेज है जो आप निकालना चाह रहे हैं बीवी की वैल्यू, वो किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी, क्योंकि यहाँ करंट नहीं बह रही है तो ये सर्किट ओपन हो गया। तो ओपन सर्किट में क्या निकालते हैं, वोल्टेज निकालते हैं, तो ये अब काम बन गया। तो क्लोज सर्किट तो आपके पास यही है, ठीक। अगर आप इसकी करंट निकाल लें जो कि बहुत आसान है, कैसे निकाल लेंगे, कहेंगे साहब बी है और नीचे कौन है हमारे पास, आर वन प्लस आर। बी है आपको 12 वोल्ट का दे रखा है, आर वन 500 प्लस 100 यानी 12/600 एम्पियर की करंट बह रही है इसके अंदर। तो वोल्टेज कितना होगा बीवी, आपने कहा भाई साहब ये तो गैल्वेनोमीटर में करंट जा ही नहीं रहा है, तो वोल्टेज सिर्फ इसके बराबर होगा जो यहाँ ड्रॉप हो रहा है। करंट आपको मिल गई, आर की वैल्यू कितनी है बेटा 100 ओम, दो से दो काट दीजिए जीरो, 6 × 12 वोल्ट यानी बी बी जो है वो 2 वोल्ट मिल गया। तो देखिए कभी कभी लगा कि एक से ज्यादा शोर से किरचाप लगेगा, वो किरचाप लगा भी नहीं, आपने ओम्स लॉ से ही काम चला लिया। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड होना एग्जाम में बहुत जरूरी है।